आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्राइलॉन कैमोफ्लाज क्रीम डर्मा कलर के बारे में। जो भी मेन शेड्स डर्मा के हैं और जो भी ब्राइडल बेस में मेन शेड्स है उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये जो डर्मा कलर का पैलेट है ये 12 शेड्स का है। इसमें 6 शेड्स का भी पैलेट आता है और आप अगर इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल कलर्स भी आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 12 शेड्स के बारे में। ये मेरा पैलेट है ब्राइडल पैलेट। ब्राइडल यहाँ पे नाम लिखा है, आपने देखा ब्राइडल पैलेट। इस पैलेट्स में डर्मा के पैलेट्स में बहुत सारे पैलेट्स आते हैं, जैसे कि मुंबई 1, मुंबई 2, मुंबई 3, जयपुर, दिल्ली और ब्राइडल। ब्राइडल पैलेट मैंने इसलिए ली क्योंकि हम मेकअप आर्टिस्ट को जो भी मेन शेड्स लगती हैं वो सारी इस पैलेट में अवेलेबल है। तो हम कौन सी भी स्किन पर इस पैलेट से मेकअप कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल पैलेट्स नहीं लेना आपको और इंडिविजुअल यूज़ करना है तो आप इंडिविजुअल सिंगल कलर्स ले सकते हैं। ये ऐसे सिंगल रिफिल्स आते हैं या इससे बड़े भी होते हैं, ये आपके स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हैं। वो सिंगल कलर आपको अराउंड 300 या 350 तक आ जाएगा और ये पैलेट आपको जाएगा आई थिंक 3500 तक। ये पैलेट आपको बैठेगा 3500 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसके सभी शेड्स के बारे में कौन सा शेड कब और किस स्किन टोन पर यूज़ होता है उस बारे में आपको बताती हूँ। तो पहले हम फर्स्ट रो देखते हैं। तो फर्स्ट रो में हमारे शेड्स आते हैं D4, D4.5, D5, DFT, DJ2, D16, DJ2 और D16, जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत डार्क शेड्स हैं। ठीक है, तो नीचे की रो में आते हैं D64, D65, D742, D34, D30, D32। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे कलर्स शेड्स के बारे में मैं आपको डिटेल में नॉलेज दूंगी। तो पहले जो ये 3 शेड्स हैं उसके बारे में फर्स्ट हम बात कर लेते हैं। पहला शेड आता है D4। D4 और D4.5 ये दोनों शेड्स फेयर स्किन टोन पे जाते हैं। D4 एंड D4.5 ये दोनों शेड्स फेयर स्किन टोन पे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी फेयर ब्राइड हैं तो उसके लिए आप D4 एंड D4.5 ये कलर यूज़ कर सकते हैं। D4 जाएगा फेयर स्किन टोन पे, D4.5 जाएगा मीडियम स्किन टोन पे एंड D5 जाएगा डार्क स्किन टोन पे। ठीक है, वापस से बताऊं, D4 जाएगा फेयर स्किन टोन पे, D4.5 जाएगा मीडियम स्किन टोन पे एंड D5 जाएगा डार्क स्किन टोन पे। ठीक है, D4 जैसे कि आप देख सकते हैं ये फेयर स्किन टोन के लिए जाता है। D4 ये जाएगा फेयर स्किन टोन के लिए, D4.5 ये जाएगा मीडियम स्किन टोन के लिए एंड D5 जाएगा डार्क स्किन टोन के लिए। ठीक है, आपको समझ आए। D4 जाएगा फेयर स्किन टोन के लिए,
D4.5 जाएगा मीडियम स्किन टोन के लिए एंड D5 जाएगा डार्क स्किन टोन के लिए। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि फेयर स्किन टोन पर कौन सा शेड जाएगा और फेयर स्किन टोन के ब्राइडल बेस के लिए हम कौन कौन सी शेड मिक्स करके बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फेयर स्किन टोन के लिए जाएगा D4 एंड D64। ये दोनों D4 एंड D64 ये जो बहुत ज़्यादा फेयर लोग होते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर होती है, उनके लिए ये दोनों शेड्स जाएंगे। D4 एंड D64 ये दोनों शेड्स जाएंगे फेयर स्किन टोन के लिए, जो बहुत ज़्यादा फेयर लोग होते हैं। तो D4 आप पूरे फेस पर लगा सकते हैं, जैसे एक सिंगल शेड D4 आप पूरे फेस पर लगा सकते हैं, और D64 भी लगा सकते हैं। अगर उनको कोई करेक्शन नहीं है तो ये दोनों शेड्स आप डायरेक्टली आपके ब्राइड पर दोनों शेड्स ये पेयर लगा सकते हो। ठीक है, और अगर हमें ब्राइडल बेस चाहिए तो हम ये दोनों शेड्स मिक्स करके भी लगा सकते हैं। यही दोनों शेड्स मिक्स करके हमें परफेक्ट ब्राइडल बेस मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये दोनों शेड्स वार्म स्किन टोन पर ही जाएंगे। ये दोनों शेड्स आप कूल स्किन टोन पर यूज़ नहीं कर सकते। D4 एंड D64 ये दोनों शेड्स वार्म स्किन टोन पर ही जाएंगे, और इससे आपके ब्राइड का बेस, ब्राइडल बेस बहुत अच्छा जाएगा। फेयर स्किन टोन के लिए, ब्राइडल बेस के लिए आप D4 एंड D64 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर आपकी ब्राइड बहुत ज़्यादा फेयर है तो आप ये दोनों शेड्स मिक्स करके उसका बेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्किन टोन आएगा मीडियम स्किन टोन। तो मीडियम स्किन टोन के लिए शेड है D4.5 D4.5। और अगर आप ब्राइडल के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप D4.5 में मिक्स करना होगा D4। अगर ब्राइडल के लिए मीडियम स्किन टोन की अगर आपकी ब्राइड है तो उसके लिए आप अगर बेस बना रहे हो तो आपको D4.5 में D4 मिक्स करना होगा, क्योंकि हम ब्राइड के लिए थोड़ा सा फेयर शेड देते हैं। ठीक है, तो अगर मीडियम स्किन टोन की ब्राइड है तो आप उसमें D4.5 एंड D4 मिक्स करके लगा सकते हैं। इससे फेस, ब्राइडल का फेस थोड़ा सा फेयर हो जाएगा। डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए आता है D5। अगर हम डार्क कॉम्प्लेक्शन करते हैं तो उसके लिए आता है D5। डार्क स्किन टोन की अगर ब्राइड है आपके पास तो उस ब्राइडल बेस के लिए हम यूज़ करेंगे D5+D742 ये शेड, नीचे की रो वाली। ठीक है, D742 अगर ज़्यादा डार्क शेड है आपकी ब्राइड की तो हम उसमें D5 में D742 मिक्स करेंगे, तो हमें परफेक्ट शेड मिल जाएगी, क्योंकि D742 थोड़ा सा येलो स्किन में आता है और ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए और डार्क स्किन के ब्राइडल बेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? D5 और D4.5। D5 एंड D4.5 ये
ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन स्किन के लिए आएगा। ठीक है, डी 4.5 हमारा मीडियम स्किन टोन शेड हो गया। सो ब्राइडल बेस के लिए हम D5 और D4.5 मिक्स करेंगे डार्क स्किन टोन के ब्राइडल के लिए। और बहुत ही ज़्यादा डार्क स्किन टोन है तो आपके ब्राइड का आप D5 और DFD D5 और DFD मिक्स करेंगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डार्क मिक्स टोन है आपकी ब्राइड का तो आप D5 और DFD मिक्स करेंगे। ये मिक्स करके आपको बहुत ही अच्छा बेस मिल जाएगा। अब बारी है DJ2। DJ2 और D16 ये दोनों बेसिकली डार्क शेड्स हैं। ठीक है, ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डार्क शेड्स हैं। आपको दिख रहा है? हाँ, DJ2 और D16 ये बहुत ही ज़्यादा डार्क शेड्स हैं। तो ये मोस्टली कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा डार्क स्किन का है तो उसके लिए हम ये शेड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, DJ2 ये स्किन टोन, बहुत ज़्यादा डार्क स्किन टोन के लिए यूज़ होता है। या फिर अगर किसी के ब्लैक स्कार्स है, जो ज़्यादा डार्क स्किन है उन पर ब्लैक स्कार्स रहते हैं वो है, तो वो हाइड करने के लिए भी हम DJ2 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो DJ2 हम करेक्टर के लिए भी यूज़ करते हैं और D16 हम कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी ब्राइड बहुत ज़्यादा डार्क स्किन टोन है तब भी आप DJ2, बहुत ही ज़्यादा डार्क स्किन टोन है तो DJ2 और DFD आप मिक्स करके लगा सकते हैं तो उसका एक टोन उभर कर आएगा। ठीक है, और अगर आपकी ब्राइड बहुत ज़्यादा डार्क स्किन टोन है और उसके फेस पे डार्क स्कार्स है ब्लैक कलर के, तो DJ2 से आपको हाइड कर सकते हैं, ये उससे हाइड हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रो पर। यहाँ पे आता है D64, D65, D742, D32, D30 एंड D32। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस रो में हम D64 एंड D65 ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट शेड्स हैं। D64 फेयर स्किन टोन पर एज एन इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं। D64 एंड D65 हम फेयर स्किन टोन पर एज एन इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं और ये हाइलाइटिंग के लिए भी काम आता है। जैसे कि हम अंडर आइज, नोज, फोरहेड, चिन, ऐसे जो हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं उस पर भी ये शेड जाएगा। ठीक है, तो D64 एंड D65 ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट शेड्स माने जाते हैं, पर ये ओनली वार्म स्किन टोन पर जाएंगे। ये दोनों D64 एंड D65 ये दोनों वार्म स्किन टोन पर जाएगा। ठीक है, और D65 ये थोड़ा सा पीची टोन का है। आपको दिख रहा है D65 ये थोड़ा सा पीची टोन पे है, तो ये फेयर टोन पर एज अ कंसीलर यूज़ होगा। D65 ये हमारा पीची टोन में है, इसलिए ये हमारा एज अ कंसीलर फेयर स्किन टोन पर भी यूज़ होगा।
जैसे कि अंडर आई डार्क सर्कल्स है उसे हाइड करने के लिए, या किसी किसी को थोड़ा बहुत पिगमेंटेशंस रहता है तो वो हाइड करने के लिए ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है D742, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं D742 ये डार्क टोन में आता है, देखा आपने, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क स्किन टोन पे आता है, ये डार्क कलर है इसलिए इसको सिंगल यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हम D64 सिंगल यूज़ कर सकते हैं, D65 सिंगल यूज़ कर सकते हैं, D4 सिंगल यूज़ कर सकते हैं, वैसे D74 हम सिंगल यूज़ नहीं कर सकते। ये ओनली मिक्स एंड मैच के लिए यूज़ होता है, मिक्स एंड मैच के लिए, मतलब अगर आपको कोई शेड बनानी है, कोई स्किन टोन की शेड बनानी है तो आप D74 में वो कलर मिक्स करके, वो शेड मिक्स करके, फॉर एग्ज़ाम्पल D72 में D5 मिक्स करके एक शेड बन जाती है, या D74 में D65 मिक्स करके एक शेड बन जाती है। तो अगर आपको किसी अलग स्किन टोन की शेड बनानी है तो आपको D74 यूज़ में आता है, नहीं तो वो सिंगल यूज़ नहीं आता। तो ये शेड ऐसी है इस पैलेट में जो सिंगल यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर ये हो या ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये इतनी इम्पोर्टेंट शेड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है D34, नेक्स्ट शेड है हमारा D34। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड में है, ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप दिखता है, ये शेड कैसी है, ऑरेंज शेड है। तो D34 ये हमारा करेक्टर है जो ऑरेंज शेड में आता है, लेकिन ये D30 से थोड़ा लाइट है, ठीक है, ये D30 से थोड़ा सा लाइट है पर ऑरेंजिश है। तो ये आता है करेक्टर में, जैसे फेयर स्किन टोन के लोग जो होते हैं, जो जिनकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर होती है, उनके लिए हम ये करेक्टर यूज़ कर सकते हैं पिगमेंटेशन के लिए या डार्क सर्कल के लिए, जो करेक्टर्स बोलते हैं उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो सुप्रा पैलेट में हमारा 303 रहता है उसके तरह आता है, ये उससे थोड़ा सा मैच करता है, ठीक है। तो अब आता है D30, ये इस पैलेट का, या जो भी हम सुप्रा के पैलेट्स ले या डर्मा के कलर्स ले, D30 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड। D30 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेड है, क्यों, क्योंकि ये हमारा करेक्टर है, ये भी हमारा करेक्टर है, पर ये ऑल स्किन टाइप पे जाता है, कौन सी भी स्किन हो, डार्क हो, फेयर हो, मीडियम हो, कौन सी भी स्किन हो, हमारा ये करेक्टर जाता है, क्योंकि ये डार्क ऑरेंज शेड में आता है, तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए जाता है। पिगमेंटेशन हो या डार्क सर्कल्स हो या कुछ भी आपके स्किन में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए D30 जाता है। तो ये मोस्ट फेवरेट शेड है मेरा, ये बहुत अच्छा शेड है जो आपके पास होनी ही चाहिए, ये शेड D30। फिर आता है D32, जैसे कि आप देख सकते हैं D32, ठीक है, आपको दिख रहा है D32, ये रेडिश कलर का शेड है, D32 इज़ रेडिश कलर शेड जो रेड अंडरटोन में आता है। इसका अंडरटोन क्या है, रेड है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये रेड अंडरटोन में आता है। तो मोस्टली हम इसका यूज़ कब करते हैं,
क्योंकि ये रेड अंडरटोन में आता है, इसलिए जो भी ल्यूकेडर्मा के पेशेंट्स रहते हैं, ल्यूकेडर्मा रहता है जिनको, या फिर जिनकी स्किन पर वाइट स्पॉट्स रहते हैं, वाइट कलर के स्पॉट्स रहते हैं जिनकी स्किन पर, उन लोगों पर हम ये यूज़ करते हैं एज अ आप जैसे बोल लो कि स्किन को, स्किन टोन को इक्विवेलेंट करने के लिए हम ये कलर यूज़ करते हैं ल्यूकेडर्मा के, या वाइट स्पॉट्स जिनके चेहरे पर रहता है उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे शेड्स कवर हो गए, मैंने सारे शेड्स के बारे में आपको बता दिया, D4 से लेके D32 तक ये पूरे शेड्स हमारे हो गए। ठीक है, तो ये डर्मा, ये जो डर्मा का पैलेट है, ये डर्मा पैलेट ये मोस्टली कब यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है समर सीज़न में, मोस्टली ये पैलेट समर सीज़न में यूज़ होता है डर्मा का, क्योंकि डर्मा का पैलेट समर सीज़न में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये पाउडरी फॉर्म में रहता है, सुप्रा के कलर्स क्रीमी फॉर्म में रहते हैं और डर्मा के कलर्स पाउडरी फॉर्म में रहता है। ये आप ऑल स्किन टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैं ऐसा बोलूँगी, हाँ ये ड्राई स्किन पर भी यूज़ होता है और स्टे करता है, ये बहुत ज़्यादा स्टे करता है, इवन सुप्रा से भी ज़्यादा डर्मा स्टे करता है आपकी स्किन पर। ये वाटरप्रूफ है, ये स्वेट प्रूफ है, ये समर्स में यूज़ होता है, ये ड्राई स्किन पर भी यूज़ होता है। अगर आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है, तब भी मैं आपको डर्मा ही रेकमेंड करूँगी। चाहे तो आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, फेशियल ऑयल लगाइए, ड्राई स्किन को प्रिपेयर कीजिए प्रॉपरली, लेकिन उस पर डर्मा ही लगाइए। मोस्टली ये यूज़ होगा आपको अप्रैल से लेके सितंबर तक आप ये यूज़ कर सकते हैं, अप्रैल से लेके सितंबर तक आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये डर्मा का पैलेट कैसे यूज़ करना है, ये डर्मा के शेड्स कौन से स्किन टोन पे जाएंगे और इससे हम कैसा बेस बनाएंगे, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली आप सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको अगर लगता है कि मेरा ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, मोस्टली आपके फ्रेंड्स के जो मेकअप में इंटरेस्टेड हो, जिनको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता हो, या जो कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये वीडियो उनके काम आ सकता है, तो आप इसको शेयर कीजिए। तो चलिए, मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।